नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के तहत केरल में सीपीआईएम के एक भूखंड समेत 73 लाख रुपए के बैंक जमा को कुर्क किया है। सूत्रों ने बताया कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों के केरल के त्रिशूर जिले में 10 लाख रुपए मूल्य का एक भूखंड और राजनीतिक दल के 5 अघोषित बैंक खातों में जमा 63 लाख रुपए शामिल हैं। वहीं सीपीआईएम ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार किया है। सीपीआईएम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा करोड़ों रुपए के कथित करुवन्नूर बैंक घोटाले से जुड़े मामले में पार्टी को आरोपी बनाए जाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ वह कानूनी एवं राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश सचिव MV गोविंदन ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक कारणों से विभिन्न मामलों में विपक्षी दलों और उनके नेताओं को आरोपी बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया क्योंकि वह पार्टी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने में विफल रही है। देश में आरक्षण की सीमा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस ये कह रही थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित राज्य के सभी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि 1994 में तमिलनाडु कानून के लिए किया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि हालांकि 50% की सीमा को आगे बढ़ाने वाले आरक्षण के कानूनों को 9वीं अनुसूची में लाना भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ऐसे कानून की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब ऐसे में एकमात्र रास्ता ये है कि संसद एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 50% से अधिक करने में सक्षम बनाए। अभी जो 50% की सीमा है वह संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से तय की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की मुख्य गारंटियों में से एक थी और अब भी है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि यह अच्छी बात है कि JDU ने कल पटना में यही मांग रखी है, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों जगह उसके सहयोगी BJP इस मामले में पूरी तरह से चुप है। क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अपना स्टैंड साफ करेंगे? कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी मांग है कि ऐसा विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाए। JDU को केवल प्रस्ताव पारित करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में आई हैं। दरअसल उन्होंने कल शनिवार को कहा कि न्यायपालिका को बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध और ईमानदार होना चाहिए और न्यायपालिका को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भी मुक्त होना चाहिए। अब ममता बनर्जी के इसी बयान की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि उन्होंने ये बातें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में कहीं। दरअसल कोलकाता में कल शनिवार को नेशनल जुडिशियल एकेडमी के पूर्वी क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए CJI DY चंद्रचूड़ और कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TS शिवगर्णम भी पहुंचे थे। इस दौरान इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बारे में बात करते हुए क्षमा चाहती हूं। मेरा मकसद किसी को भी अपमानित करना नहीं है, मगर मेरा विनम्र निवेदन है कृपया इस बात का ध्यान रखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और ईमानदार होना चाहिए ताकि लोग इसकी पूजा करें। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर की तरह हैं। न्यायपालिका लोगों की है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है और न्याय पाने और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने की अंतिम सीमा है। पहले दिल्ली जल संकट और अब मानसून की बारिश की वजह से जलभराव को लेकर भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी में जलभराव की समस्या पर कहा कि विकास के नाम पर यहां सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि वे नालों की सफाई करेंगे और सीवेज लाइनों का विस्तार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में 714 बड़े और छोटे नाले हैं। जानकारी के अनुसार उनमें से केवल 150 पर ही कुछ काम हुआ है और बाकी वैसे ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी उम्र को लेकर की गई आलोचनाओं का जवाब दिया है।
उन्होंने भाषण में अपने समर्थकों से कहा कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वही जीतेंगे। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमजोर प्रदर्शन की वजह से उनके समर्थकों के बीच ये अंदेशा जताया जा रहा था कि शायद वो चुनाव में जीत ना पाए, जिसके बाद अब बाइडेन ने कहा कि मैं जानता हूँ कि देश की सेवा करने के लिहाज से युवा नहीं हूँ, मैं अब उतनी आसानी से चल नहीं पाता हूँ, मैं पहले जैसी बहस भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच कैसे बोला जाए और मैं जानता हूँ कि ये काम कैसे किया जाता है। 81 साल के बाइडेन ने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है और पूरे दिलो दिमाग से वे जानते हैं कि वो एक और कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे। यूक्रेन पर हुए एक मिसाइल हमले में 2 बच्चों समेत 11 लोगों के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर लंबी रेंज के हथियारों के लिए अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे शहर और लोग हर दिन रूसी हमले झेल रहे हैं, लेकिन रूसी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर हम इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की ज़रूरत होगी, इसके साथ ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ाने होंगे। आपको बता दें कि शनिवार को यूक्रेन के सुदूर इलाके ज़ापोरिज़िया में रूसी हमलों में 11 नागरिकों की मौत हो गई और 37 लोग घायल हो गए, जिसके बाद जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मांग की है। केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी जेडीयू ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। अब जेडीयू की इसी मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है और साथ ही एनडीए के अन्य सहयोगी दल टीडीपी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जेडीयू ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट से भी ऐसा प्रस्ताव कराने की हिम्मत दिखाएंगे या बिहार के मुख्यमंत्री दमदारी से इस मांग को रखेंगे? कांग्रेस महासचिव ने आगे एनडीए के अन्य सहयोगी टीडीपी से भी सवाल करते हुए कहा कि और अपनी नई पारी में टीडीपी का क्या रुख है, इसने अभी तक यह एक ऐसा वादा है जिस पर 30 अप्रैल 2014 को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने पवित्र शहर तिरुपति में काफी जोर दिया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के डीएनए की जांच संबंधी बयान का बांसवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत ने कड़ा विरोध जताया है। दरअसल दिलावर और राजकुमार रौत के बीच 22 जून को जुबानी जंग छिड़ गई थी। मंत्री दिलावर ने कथित तौर पर आदिवासी नेता राजकुमार रौत के हिंदू होने या ना होने की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने का सुझाव दिया था। दरअसल हाल ही में रावत ने कहा था कि वह आदिवासी समुदाय से हैं और हिंदू धर्म सहित संगठित धर्मों से अलग आस्था पद्धति को मानते हैं। इस पर दिलावर ने कहा था कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता खुद को हिंदू नहीं मानते हैं और अगर वो हिंदू नहीं हैं तो फिर उनके डीएनए की जांच करा लेंगे कि वो उनके बाप की औलाद हैं कि नहीं। अब बीजेपी नेता के इसी बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रौत शनिवार को अपने समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचे और पुलिस को अपने खून का नमूना सौंपा। रौत अपने समर्थकों के साथ अपने खून का नमूना लेकर मंत्री दिलावर के आवास की ओर विरोध प्रदर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद रौत अपने समर्थकों के साथ अमर जवान ज्योति पहुंचे। इस दौरान गंगापुर से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा समेत कई नेता मौजूद थे, जिन्होंने दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने खून के नमूने एकत्र किए, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और वापस लौट गए। राजकुमार रौत ने संवाददाताओं से कहा कि यह मामला यहां दबने वाला नहीं है, यह मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। मैं संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी यह मुद्दा उठाऊंगा। अगर यहां खून का नमूना नहीं लिया गया तो डीएनए टेस्ट के लिए खून का नमूना संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दिलावर इस्तीफा नहीं देते और समुदाय से माफ़ी नहीं मांगते, हम इसे जाने नहीं देंगे। रौत ने दोहराया कि वे हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमारे देश का संविधान सभी को किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की आज़ादी देता है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हम वाकई कहते हैं कि हम किसी धर्म के अंतर्गत नहीं आते। किसी को इससे क्या परेशानी होनी चाहिए? भाजपा नेताओं को धर्म की राजनीति बंद कर देनी चाहिए और आदिवासियों को गुमराह करना बंद करना चाहिए।
बिहार के अररिया समेत एक हफ्ते में 5 पुल ढहने की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने साजिश का संदेह जताया है। उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया कि बिहार में पुल ढहने की घटनाओं के पीछे राज्य के भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। राज्य भर में एक सप्ताह से भी कम समय में 5 बड़े और छोटे पुल ढह गए। अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और मधुबनी जिलों में एक एक घटना की सूचना मिली। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राज्य में अचानक पुल ढहने की घटनाएं क्यों होने लगी हैं, यह लोकसभा चुनाव के बाद क्यों हो रहा है, ऐसी घटनाएं एक महीने पहले क्यों नहीं हो रही थी, मुझे इसके पीछे किसी साजिश का संदेह है, संबंधित अधिकारियों को इस पहलू पर गौर करना चाहिए। कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद कल शनिवार को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोई भी सच्चाई को नहीं छिपा सकता, वो आज नहीं तो कल उभर कर आती है, और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच आप लोगों के लिए, आपको नेतृत्व देने के लिए हम आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है वो खुशी और दुख का समावेश है, फिर भी इस चुनाव के माध्यम से मूल लोगों को ताकत मिली है। आज 5 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद मैं भगवान बिरसा मुंडा के कदमों पर नमन करने आया हूँ। जो रुकावटें उनके साथ रही हैं वो रुकावटें आदिवासियों, दलित, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ हैं। योजनाबद्ध तरीके से आज भी मनुवादी विचार अपना पैर पसारने में कामयाब हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने भी हार नहीं मानी है। हम वीरों के सपूत हैं और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षण भर की तकलीफ होगी। हमने उस तकलीफ को सह लिया तो कामयाबी झारखंडियों के कदम चूमेगी। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कोचिंग छोड़ने का ऐलान किया है। कोचिंग छोड़ने के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। एक खिलाड़ी के रूप में मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाया, मैं इतना भाग्यशाली नहीं था, लेकिन जब भी मैं खेला तो मैंने अपना बेहतरीन दिया। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो विश्व कप नहीं जीत पाए, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मुझे भारतीय टीम का कोच बनने का मौका मिला। राहुल ने आगे कहा कि मैं भाग्यशाली था कि हमारे खिलाड़ियों के इस ग्रुप ने जीत को संभव बनाया। मुझे रोहित और इस टीम के साथ काम करना अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं भाग्यशाली था कि मुझे कोचों और सहयोगी स्टाफ का एक ग्रुप मिला, जिनकी बदौलत हमें ये वर्ल्ड कप हासिल हो सका। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 76 रनों की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली ने कहा कि यह मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, हम यही हासिल करना चाहते थे, हम इस कप को उठाना चाहते थे। कोहली ने कहा कि यह एक ऐसा सीक्रेट है जो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हार गए होते तो मैं इसका ऐलान नहीं करने वाला था। अब समय आ गया है कि अगली जनरेशन T20 गेम को आगे ले जाए। ICC ट्रॉफी जीतने के लिए हमें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। वहीं विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच उनके T20 इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच था। उन्होंने कहा कि यह मेरा भी आखिरी मुकाबला था, मैंने हर लम्हे से प्यार किया, मैं यही चाहता था, मैं भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।